हेलो एवरीवन, हमारा चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 7.4 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उसको हम इसमें देखते हैं। ओके, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। राधा इज 19 इयर्स ओल्डर देन हर कजन। ओके, आफ्टर 5 इयर्स देयर एज विल बी इन द रेशियो 2:3। ओके, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। राधा एंड उस कजन दोनों में, दोनों की एज हमें फाइंड करनी है। देखिए, राधा इज 90 ईयर्स यंगर देन हर कजन। ओके, तो ये स्टेटमेंट हम पहले लिख लेते हैं, फिर सेकेंड स्टेटमेंट हम लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, राधा की एज को हम क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे, कितना, लेट बी एक्स। ओके, एक्स हमने मान लिया और उसके आगे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, राधा इज 19 ईयर्स यंगर देन हर कज़न। ओके, उससे छोटी है कज़न से, कितना, अपने कज़न से वो 19 ईयर्स छोटी है। ओके, तो जो कज़न है उसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया है, तो वो एक्स प्लस 19 हो जाएगा, क्योंकि ये छोटी है, राधा छोटी है। ओके, एंड देन उसके बाद आप देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी इन द रेशियो, कितना, 2:3। तो 5 ईयर्स मतलब आफ्टर, तो एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 19 प्लस 5। ओके, ये कज़न की एज हो गई और ये राधा की एज हो गई, इनका रेशियो दे के रखा है कितना, 2:3। ओके, अब हम इसे सॉल्व करना है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये जो वैल्यू है इसका मल्टीप्लिकेशन हम 3 से करेंगे, एंड देन ये जो वैल्यू है इसका मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन हम x प्लस 5 से करेंगे, एंड 2 से x प्लस 19 प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 से अगर x का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाता है 3x प्लस 15, और 2 से x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x प्लस, हम इसको प्लस कर देते हैं तो ये प्लस होके कितना हो जाएगा, 24, और 24 का मल्टीप्लिकेशन हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 48। ओके, नेक्स्ट देखिए, वेरिएबल्स को हम एक साइड ले लेते हैं और जो हमारा नंबर्स है उसको हम एक साइड लेते हैं। तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 48 माइनस 15। 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, इज इक्वल टू 48 से हम माइनस करेंगे 15 को, तो ये हमें मिलेगा 33। तो ये x जो थी वो राधा की एज थी, तो राधा की एज कितनी हो गई, राधा की एज हो गई 33 ईयर्स, एंड कज़न की एज हो गई आपका, कज़न की एज राधा की एज से कितना है, 19 ईयर्स ज़्यादा है, तो हम इसमें प्लस कर देंगे 33 प्लस 19, तो ये हमको मिल जाएगा 52। ओके, तो कज़न की एज भी आपने निकाल लिया और राधा की एज भी। तो एक बार और देख लीजिए, सबसे पहले हमने जो राधा की एज है उसको एक्स मान लिया है, और जो कज़न है उसकी एज उसे 19 ईयर्स ज़्यादा है, ठीक है। अब इसमें रेशियो दे के रखा है, रेशियो हमेशा 2:3 इसी टाइप से लिखा जाता है, और इनका रेशियो बनता है जब 5 ईयर्स के बाद ये रेशियो बनता है। तो एक्स की एज में हम 5 प्लस करेंगे, एंड एक्स प्लस 19 की एज में 5 ईयर्स ऐड करेंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर देंगे। ओके, ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद आपके जो राधा की एज है 33 एंड कज़न की एज आ जाएगा 52 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द एज ऑफ सुब्बू एंड डब्बू इज 18 ईयर्स। ओके, अगर सब सुब्बू एंड डब्बू की एज को हम प्लस करते हैं तो उनका एज कितना आता है, 18 ईयर्स, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 4 ईयर्स। ओके, 4 ईयर, और जब हम उनका डिफरेंस करते हैं मतलब माइनस करते हैं उनकी एज का, तो उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 ईयर्स का। फाइंड द एज ऑफ सब्बू एंड डब्बू की एज, दोनों की एज हमें फाइंड करनी है, तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सब्बू की एज, सब्बू को हम एस मान लेते हैं वेरिएबल से, और डब्बू को टी से, इन दोनों का प्लस कितना दे के रखा है, 18 ईयर्स। ओके, एंड देन इन दोनों का डिफरेंस क्या दे के रखा है हमें, 4 ईयर्स,
जब इस टाइप से दो वेरिएबल्स होते हैं और दो वेरिएबल्स को हम एक ही इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, प्लस किया तो देखिए एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में है, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ एस प्लस एस मतलब 2s इज इक्वल टू, इसको भी हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 22। 2s इज इक्वल टू कितना आ गया, 22। ओके, अब हम s की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, s इज इक्वल टू 22/2, यानी s इज इक्वल टू 11। ये क्या आ गई, जो सबू है उसकी एज आ गई है 11 ईयर्स। ओके, और ये जो हमें मिला है s की वैल्यू, इसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे s की वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंड जो टब्बू है उसकी एज का पता चल जाएगा। ओके, तो s प्लस t इज इक्वल टू 18 है, s की जगह हमें क्या पुट करना है, 11 प्लस t इज इक्वल टू 18। t इज इक्वल टू 18, ये वैल्यू प्लस में है, इधर जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो t इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, इसकी एज मिल जाएगी हमें, इसमें से हम माइनस कर देंगे इसको, 7 ईयर्स। ओके, तो हमें दोनों की एज मिल गई है, सब्बू और डब्बू की दोनों की एज मिल गई है। ओके, इजी था ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ दे के रखी है रेक्टेंगल और ब्रेथ दे के रखा है, ठीक है। इफ़ ए पेरीमीटर, ओके पेरीमीटर की बात हो रही है, मतलब हमें पेरीमीटर का फार्मूला पता होना चाहिए। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर, ओके 60 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करनी है। कुछ कंडीशन दे के रखी है, उसके थ्रू हम लेंथ एंड ब्रेथ को सॉल्व कर लेंगे। एंड लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के बाद ऑल्सो फाइंड इज एरिया, एरिया भी फाइंड करना है, तो हमें एरिया का फार्मूला भी पता होना चाहिए रेक्टेंगल का। तो ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। ओके, क्वेश्चन में हमें लेंथ दी है, लेंथ जो है उसके ब्रेथ का कितना है, 6 ज़्यादा है। देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ब्रेथ को अगर हमने बी माना है तो लेंथ क्या हो जाएगी, उससे 6 ज़्यादा हो जाएगी। ओके, पेरीमीटर कितना दे के रखा है, पेरीमीटर आपको दे के रखा है 60 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 60। देखिए ये 2 जो है उसको हम अपॉन में ले लेंगे, तो लेंथ आपको दे के रखी है कितना, बी प्लस 6 प्लस बी, 2 इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे बी है और यहाँ बी है, इसको हम प्लस कर लेंगे तो ये 2b बन जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 60। अब इस 2 को हम मल्टीप्लीकेशन में, इसको हम डिवाइड में ले लेंगे, तो 2p प्लस 6 इज इक्वल टू 60/2, 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 30, एंड ये 6 जो है इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, 2b इज इक्वल टू 30 माइनस 6, तो 2b इज इक्वल टू, आप इसमें से माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा, और b इज इक्वल टू 24 से हम डिवाइड कर देंगे किसको, 2 को, तो ये आ जाएगा 12। तो हमारी ब्रेथ कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, l इज इक्वल टू कितना था, ब्रेथ प्लस 6, तो 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ तो पता चल गया है, अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपको देके रखी है, हमने अभी फाइंड किया है 12, एंड लेंथ हमें देके रखी है, ओके लेंथ हमें दी है 18 इंटू, एंड ब्रेथ आपको देके रखी है 12। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एरिया हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर सम 50 पैसे कॉइन, ठीक है, एंड 1 रुपीज कॉइन इन अ बैग। इफ द कॉइन आर इक्वल इन नंबर एंड टोटल अमाउंट इज द बैग इज 300, देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे एंड 1 रुपीज कॉइन इन द बैग। तो यहाँ पे कुछ हमें कॉइन दिए गए हैं जो 50 पैसे के कॉइन्स हैं एंड 1 रुपीज के कॉइन हैं किसी बैग में, और जिनका टोटल हमें दे के रखा है 300 अमाउंट जो है, और
दोनों का जो कॉइन है वो इक्वल है, कॉइन आर इक्वल है, दोनों कॉइन कितने हैं, इक्वल हैं। अगर 50 पैसे के 100 हैं तो 1 रुपीज़ के भी उतने ही कॉइन हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें दोनों के बैग में नंबर ऑफ 50 पैसा एंड 1 रुपीज़ कॉइन हमें फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्व करना। सबसे पहले नंबर ऑफ कॉइन्स जो हैं वो सेम है, तो उसको हम एक्स ले लेंगे। ओके, एंड देन 50 पैसे के कॉइन प्लस 1 रुपीज़ के कॉइन, ये भी कितने हैं, एक्स हैं और ये भी एक्स हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू 50 प्लस एक्स इंटू 1 रुपीज़, और ये 50 पैसा। अब यहाँ देखिए दोनों का एडिशन हमें कितना देके रखा है, 300। इसके बाद ये पैसे अमाउंट में है, ये रुपीज़ में है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करिए या इसको पैसे में कन्वर्ट करिए, इसको हम 1 रुपीज़ को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पैसे में। तो ये 100 पैसा बन जाएगा और ये 300 इक्वल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 50x एंड 100x इज इक्वल टू 300। इसको प्लस कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा, 150x इज इक्वल टू 300, और x की वैल्यू हम बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे, अपॉन 150, ये आ जाएगा 2, 0 से 0 कैंसिल, ये 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 2। ओके, तो हमारे पास x इंटू 50 था जो 50 पैसे के कॉइन थे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 100, और x इंटू 100 था तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200। इन दोनों का प्लस कितना है, 300। ओके, तो ये आंसर आ गया हमारा, और ये हमने कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 7.4। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।